हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पिता। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होली स्पेशल आलू के पापड़ की बहुत ही इजी रेसिपी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आलू के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले आलू को बॉईल करना है, तो प्रेशर कुकर में डाल के इनको बॉईल कर लिया है। ये 2.5 किलो आलू लिया है हमने, और ये देखिए अभी आलू को छील लेंगे, छिलका अलग कर देंगे। और उसके बाद इसको करना है कद्दूकस। कद्दूकस करने के बाद आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे, और अभी इसमें डालेंगे मसाले। तो मसाले में सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, साथ ही में डाल देंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर, और बस इसमें हम डालेंगे नमक, और इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। इसे अच्छे से मैश करते हुए मिक्स करेंगे, एकदम आटे की तरह इसको गूंद लेना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। उसके बाद इसकी बॉल्स बनानी है, तो हाथों पे मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा लगा के और फिर हम इसकी बॉल्स बनाकर रेडी करेंगे। ये देखिए सारी बॉल्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। अभी इसको फैलाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए हमने एक पॉलीथीन बिछा लिया, और उस पर ये बॉल को रख के एक और पॉलीथीन इसके ऊपर रखेंगे, और चकले से थोड़ा राउंड करते हुए इसको दबा देंगे। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरह से पापड़ इस पर बन गया है, और ये पॉलीथीन हटा देंगे। इसी तरह से सारे पापड़ बनाकर तैयार करेंगे। पापड़ जब हल्के हल्के सूखने लगें तो उसको पलट देंगे। ये देखिए 4-5 घंटे बाद ना उसको पलट दें इस तरह से, और जब ये थोड़े सूख जाएँ तो और इनको थोड़ा धूप लगा दें एक दिन, उसके बाद ये एकदम बढ़िया हो जाते हैं। ये देखिए धूप लगने के बाद पापड़ इस तरह से दिखाई देंगे। तो अभी मैं पापड़ आपको तलकर भी दिखा देती हूँ। तो उसके लिए ऑयल गर्म हो चुका है, और एक पापड़ डालकर इस तरह से मैं दोनों साइड से इसको तल ले रही हूँ। आप इन्हें माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, गैस पर भी सेक सकते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार पापड़ बनकर रेडी है। इस होली पर आप इस तरह से पापड़ ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगते हैं ये, और जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं।